एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है संडे और अभी हो रहा है वही 7:30। तो बहुत लेट से व्लॉग चालू कर रही हूँ। बहुत ठंडी है गाइज, बिकॉज बहुत बादल बादल है। 3-4 दिन से तो बादल बादल है, ठंडी बढ़ गई है। तो एज यू कैन सी मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है। ये ट्रैक सूट बहुत ही पुराना है एक्चुअली। पियो देखो चल रही है। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया था 2-3 साल पहले, उस टाइम ये ट्रैक सूट निकला था। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो इसका नंबर बहुत ही कम आता है, तो बहुत ही कम यूज़ होता है, बिकॉज अब तो जिम जाते नहीं हैं और ठंडी होती नहीं है। तो आज थोड़ी ठंडी थी तो मैंने पहन लिया है। एनीवेज, टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होने वाला है। यस, वी आर मूविंग। तो मैंगलोर को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो हम लोग मूव हो रहे हैं पुणे। एक्चुअली ये प्लान बहुत ही पहले का था, जनवरी के टाइम पे ही हमने सोचा था मूव होने का। बट बच्चे के साथ ना पेंडेमिक में मूव करना इज़ नॉट सेफ। बट ये देखो, बट ये पेंडेमिक ख़त्म होने वाला है नहीं, अभी 2-3 साल लग जाएंगे इसको पूरा एंड होने में। तो हमने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झटपट प्लान बना है। एक्चुअली बाबू के जो फ्रेंड है ना, वो पुणे में रहते हैं, तो वो अपने लिए फ्लैट देख रहे थे। तो हमने बोला कि तुम लोग के लिए भी देख लें क्या। हमने बोला देख लो, देखने में क्या जा रहा है। तो देखा तो एक फ्लैट हमें पसंद आ गया। फिर मेरे भैया भाभी भी वहीं पर रहते हैं, वो लोग भी जाके देखे। भी हो बेटा इधर आ जाओ, उसको ना दिख रहा है ना, कैमरा दिख रहा है, वो कैमरा में उसको प्रेस करना है। तो उन लोग को भी गए और उन लोग को भी पसंद आ गया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, शिफ्ट हो ही जाते, होना तो था ही। एक्चुअली बैंगलोर का अब कोई काम है नहीं बैंगलोर का, तो हम लोग सिर्फ पैंडमिक के कारण ही यहाँ पे रुके हुए हैं। तो जहाँ पे आपका काम नहीं है वहाँ पे रहने का क्या कोई मतलब है नहीं। पियो बेटा तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब था नहीं। हाई कर दो, हाई कर दो, पियो हाई, हाई कर दो, और हाई कर दो। अच्छा मम्मा को क्रीम लगा दो, मम्मा को क्रीम लगा दो, मम्मा को, मम्मा को। तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब था नहीं, वो पैंडेमिक था, बच्चा है, इस वजह कारण हम लोग नहीं हो रहे थे। बट यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हम शिफ्ट हो जाएंगे कुछ ही टाइम में, वो आपको पता चल जाएगा। तो बस यही सब चल रहा है। वैभव का काम अब मेनली पुणे मुंबई का हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं। यस, थोड़ा बुरा तो लग रहा है, क्योंकि जब मैं शादी करके बैंगलोर में ही आई थी तो 5 साल हो गए मुझे बैंगलोर में। वैभव को तो बहुत हो गया, 10-12 साल हो गए, तो वो सीधा अपना इंजीनियरिंग ख़त्म करके बैंगलोर ही शिफ्ट हो गया था। तब से वो बैंगलोर में ही है, उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मुझे ये फ्लैट छोड़ के थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बिकॉज पीहू यहीं पे आई थी, तो थोड़ा सा आई एम गेटिंग इमोशनल। बट या कोई नहीं, न्यू प्लेस न्यू बिगनिंग है ना। और पुणे में मैं तो रह चुकी हूँ। एक्चुअली बैंगलोर आने से पहले मैं पुणे में ही जॉब करती थी, तो मेरा देखा हुआ है वो सब एरिया, तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। और वहाँ का वेदर वगैरह भी अच्छा है, बैंगलोर जैसा क्राउड नहीं है। यहाँ तो इतना ज़्यादा क्राउड है ना, पूरे कंट्री के लोग, मुझे तो लगता है पूरे नॉर्थ इंडियन लोग सब बैंगलोर में आके मोस्टली बसे हुए हैं। मैंने तो पैकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मूवर पैकर्स वाले आए और सारा सामान यू नो टच करे, बिकॉज कोरोना के टाइम पर आप वैसे भी नहीं चाहते हो कि ज़्यादा सामान टच करे। तो मैंने सोच रही हूँ मैं कपड़े वगैरह और यूटेंसिल्स वगैरह जो भी मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, वो सब मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। वैभव कल कुछ कार्टन वगैरह ले आए थे, वो सब में मैंने स्टार्ट कर दिया, वो मैं दिखा दूंगी। तो वो सारी चीज़ें अब चल रही है, बिकॉज कल से तो वीकडे स्टार्ट हो जाएगा, वैभव का ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा पीयू के कारण, वो बिल्कुल भी नहीं टाइम देती है। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर लूँगी, जितने भी क्लास वेयर आइटम्स हो गए या फिर कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए या फिर अपना कपड़ा हो गया, वैभव का पीयू का जो भी कपड़े वगैरह हो गए। ऑब्वियसली आप फर्नीचर वगैरह तो नहीं कर पाओगे, वो सब तो वही करेंगे, बट यार जितना हो सके करना ज़्यादा सेफ है बेटा। तो वही सब सुबह से चालू था, वही सब कर रही थी। और दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। तो होम डेकोर के आइटम्स हो गए, फिर कपड़े वगैरह हो गए, तो 4-5 बॉक्सेस मेरे अभी रेडी हो गए हैं। अभी लग रहा है मुझे और 2-3 बॉक्सेस लगेंगे। 3 यहाँ पे कार्टन्स पैक किए हैं। तो पहला वाला ये कार्टन हो गया, तो इसमें सारे बेडशीट्स वगैरह जो भी रखा है, काइंडली इग्नोर द मेस गाइस, क्योंकि अभी ऑलरेडी पैकिंग चल ही रहा है। तो ये वाला एक बॉक्स हो गया। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स है, इसमें सारे मेरे कपड़े हैं। नेक्स्ट ये वाला में मेरे साड़ीज़ हैं और हैवी हैवी सूट्स जो भी है ये सब इसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें सारे डेकोर के आइटम्स वगैरह हैं और इसमें वैभव के कपड़े वगैरह हैं। पफू कर दो,
चलो जाओ। हाय गाइस, सो टुडे इज नेक्स्ट डे। अभी सुबह के हो रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। बैपो भी सो रहे हैं और आज बहुत ही अच्छा सनी डे है। तो काफ़ी टाइम के बाद जब सनी डे होता है ना तो कितना अच्छा लगता है। मैं धूप देख रही हूँ, इतने दिन से बारिश देख रही थी ना, धूप देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी 5-10 मिनट, उसके बाद आई गो एंड मेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि पी उठ जाएगी तो फिर बनाने नहीं देगी। तो वही बनाऊँगी और कल थोड़ा बहुत मैंने पैकिंग कर ली है, अभी भी थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। एक्चुअली कल जो मेन पैकिंग थी ना वो मैंने कर लिया है, 4-5 कार्टन, अब थोड़ा बहुत और बाकी है। मैं 5 साल एक जगह पर रहने लगती हूँ ना तो एक पूरा संसार बस जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है यार, देखते देखते ना इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है पता नहीं अच्छे से बस सारा सामान मेरा चला जाए, कुछ टूटे फूटे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना आप इतने मेहनत से सब कुछ खरीदते हो कुछ टूट जाए। तो लेट्स सी सब अच्छे से चला जाए। और ये लोग बोल रहे हैं मूवन पैकर वाले मेरे प्लांट्स नहीं ले जाएंगे। तो वह भी बोल रहा है कि सारे प्लांट्स तो खैर मतलब रूट के साथ आप ले जाओ, बट तो जो पॉट वगैरह है वो यहीं पे छोड़ के जाओ, तो फिर वहाँ से वहाँ पे जाओ फिर वहाँ पे ख़रीदो। यार ये लोग पॉट नहीं लेके जाएंगे, बोले पॉट लेके जाएंगे तो अगर फूट जाएगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कार में कितना जाएगा, सीरियसली कार में तो इतना ज़्यादा लेके जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सूटकेस वगैरह रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि मेरे प्लांट्स चले जाएँ। सीरियसली डर तो लग रहा है क्योंकि कोरोना टाइम है, प्लस छोटी बेबी है, बच्चे के साथ इतना सब कुछ करना। और ये जो मंदिर वगैरह है ये भी सोचूं मैं ही पैक कर लूँ, तो लास्ट डे पे जिस दिन आने वाले होंगे उस दिन एक दिन पहले ये सारा मंदिर वगैरह पैक कर लूँगी। और कार्टन वगैरह यहाँ पे बहुत महंगा है यार, एक कार्टन 20 रुपये का देता है। और ये जो हम वैभव ने जो कार्टन सब बचा के रखे थे ना अमेज़न वाले, सब ख़राब हो गए, क्योंकि ये बालकनी में रखा था और सारे भीग गए और उसके कारण सारा कार्टन वगैरह सब ख़राब हो गया है। अभी तो मुझे चूड़ी वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब भी पैक करनी है। बुक वगैरह तो खैर वही पैक करेंगे, बुक्स तो इतने ज़्यादा कर लिया ना वैभव ने, पढ़ता वढ़ता नहीं है बट बुक्स बहुत ज़्यादा रखा है। देखो कितने सारे बुक्स रखे उसने, इतना सारा बुक्स है, 2 कार्टन तो इसका बुक्स का ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। ये सारी चीज़ें प्लस प्रिंटर हो गया प्लस इसका टेबल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है हमारे पास बोर्ड, 2 बोर्ड है हमारे पास, आई डोंट नो क्यों ये बोर्ड, मतलब कोई है ही नहीं पढ़ने वाला और कोई है ही नहीं टीचर यहाँ पे, फिर भी मेरा फेस ना मोटा क्यों लग रहा है। अच्छा सो के उठी हूँ ना तो इसके कारण मेरा फेस थोड़ा स्वेलिंग। गाइस लुक एट दिस रूम, ये वाला तो जो चौकी है ना ये हमें बेचना है, ये हम लेके नहीं जाने वाले हैं। देखो कितना गंदा है, इसको भी साफ़ भी करना है। तो एक ये हो गया, ये देखो नीचे में कितना सारा सामान है पीयू का ही बहुत सारा सामान हो गया। इसका वो क्रैडल हो गया, उसका ये टॉयज़ हो गया, तो और वॉकर हो गया, वो सारी चीज़ें पता नहीं लेके जाएँ कि नहीं जाएँ, क्योंकि वॉकर में तो वो चलाने वाली है नहीं, प्लस ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं सोच रहा हूँ बेस को ऐसे ही रहने देती हूँ तब जब तक नहीं जाते हैं, बिकॉज अभी साफ़ करने का कोई मतलब है नहीं। राइट तो ये बेचना है, लेट्स सी बिकता भी है कि नहीं, बिकॉज अभी कोरोना टाइम में कोई ख़रीद भी नहीं रहा है। और मैंने ना OLX पे कुछ चीज़ें भी डाली थी बेचने के लिए, एक तो बिकता नहीं है जल्दी बिकॉज अभी कोई ख़रीद नहीं रहा है, दूसरा चीज़ ये है कि कोई कोई फेक कस्टमर भी आ जाते हैं। एक दिन पहले अकाउंट बनाते 4-5 दिन पोस्ट का हो गया था, एक ने नया अकाउंट बनाया और मुझे मैसेज किया इज़ इट अवेलेबल, मैंने बोला वैभव को कि बात करो। तो देखो OLX से भी मुझे भी मैसेज आया था, यू आर इन कॉन्टेक्ट विद अ सस्पिशियस यूज़र, तो इस टाइप के पर्सन भी आपको मिल जाएंगे OLX पे, तो प्लीज़ बी अवेयर विद दिस काइंड ऑफ पीपल्स। इसने एक दिन पहले अकाउंट बनाया था और दूसरे दिन ही रिमूव कर दिया, तो इसलिए हमेशा सतर्क रहिएगा। जब भी आप OLX पर सामान बेचते हैं ना, कोई भी आकर आपको बोले कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, प्लीज़ कभी नहीं करिएगा ऑनलाइन पेमेंट, कभी नहीं करवाइएगा, बिकॉज वो दे आर चीटर्स। बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको ये ऑनलाइन पेमेंट लेना, वो लोग क्या करेंगे फिर आपके अकाउंट में से पैसे वगैरह कैसे करके निकाल लेते हैं। तो हमेशा जब भी आपको अगर कुछ सामान बेचना है तो ऑलवेज़ गो फॉर कैश, तो वो सामान आए देखिए वो कैश में देखे जाएँ,
तो बहुत टाइम हो गया, अब जा रही हूँ मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। कैन यू सी माई हेयर, तो कल वॉश किया है ना तो सूखा नहीं था, इसलिए मैंने जब भी मेरा बाल ड्राई नहीं होता है ना तो मैं उसमें कोम्ब नहीं लगाती हूँ। तो रात को ऐसे ही मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। तो कल खाना वगैरह खा के मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गई बिना बाल झाड़े। तो देखो कैसे हो गया बाल, अभी इसको ठीक भी करना है मुझे। तो चलो जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, उसके बाद सब काम करूँगी। और अभी ना सारे राशन वगैरह सब कुछ मुझे ख़त्म करना है, बहुत सारा राशन हो गया। सबसे मेन प्रॉब्लम तो है कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने ऑयल डिस्पेंसर में सारा ऑयल डाला था और बहुत सारा ऑयल बचा हुआ है। तो वैभव को बोला तो पता क्या बोल रहा है, पकौड़ी बना दो। मैंने बोला हाँ रोज़ रोज़ पकौड़ी खाओ, वैसे हम लोग ना इतना ज़्यादा तेल मसाला खाते नहीं है, तो बहुत तेल है, उसी का डर है कि तेल कैसे जाएगा, तेल फेंकना पड़ेगा या फिर पता नहीं तेल कैसे, तो जाने लायक है नहीं। प्लस मेरे पास ये ग्लास का ऑयल डिस्पेंसर है तो वो भी डर है कि कहीं फूट ना जाए। एक तो क्यों ने फोड़ दिया, ग्रीन कलर का जो मैंने आपको दिखाया था ना वो फोड़ दिया, दो लिया था मैंने, एक येलो कलर का और ग्रीन कलर का, दो का सेट आया था। ग्रीन वाला तो प्यों ने फोड़ दिया है, एक बचा हुआ है वो किसी तरह अच्छे से चला जाए। और ये सारे प्लांट्स वगैरह है ना, तो ये वाले प्लांट्स हो गए, स्पाइडर प्लांट हो गए, प्लस मैंने ये जो मनी प्लांट लगाया है, ये सब किसी तरह अच्छे से मेरे घर चले जाए वहाँ पे। आई रियली वॉन्ट यार, मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी, तो ये सब चला जाए वहाँ पे अच्छे से बस। तो अभी मैं बना रही हूँ पोहा, ऑब्वियसली जब आपका दिमाग काम नहीं करे ना तो आप पोहा बना दो, सबसे ईजी, तो वही मैं पोहा बना रही हूँ। कैन यू सी दिस बर्तन, कल मैंने सारा बर्तन वॉश किया है, अब ये सारे बर्तन भी अभी मुझे अंदर लगाने हैं। ऑब्वियसली वहाँ इतना स्पेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे ना ओपन किचन नहीं है और इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ को दौड़ने का स्पेस मिल रहा था, बट इतना बड़ा नहीं है वहाँ का अपार्टमेंट। और हर जगह आपको हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती है ना, तो वहाँ कुछ अच्छा है, यहाँ कुछ अच्छा है, तो बस यही सब है। अपना तो है नहीं कि बोल सकते हैं कि नहीं मुझे यहाँ नहीं देना है, ये नहीं अच्छा है, तो अपना तो है नहीं, जब जहाँ मन किया चेंज कर लिया, तो इतनी जल्दी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इतना सामान बच्चे के साथ शिफ्ट करना इज़ नॉट ईजी, सीरियसली इट्स नॉट ईजी गाइस। खासकर पीयू के साथ, पीयू बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है ना, अभी इतना छोटा बच्चा होता तो शायद थोड़ा सा हो भी जाता। अभी मैं बताऊंगी नहीं कि किस दिन हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें अभी बताना इज़ नॉट सेफ आई गेस, तो ये हम बता नहीं रहे, लेकिन वहाँ पहुँच जाऊँगी तो ऑब्वियसली कभी वीडियोज़ आने में टाइम लग सकता है, बिकॉज वहाँ पे मुझे इंटरनेट मिलेगा नहीं मिलेगा नॉट श्योर। बट या ऑफकोर्स मैं ब्लॉग तो करूँगी, ये पोस्ट कब जाएगा नहीं तो थोड़ा तो लेट होगा आई गेस, थोड़ा तो लेट हो जाएगा पोस्ट वगैरह डालने में, तो धीरे धीरे ही करूँगी। व्यक्तियों के साथ इतना जल्दी जल्दी करना क्या है, अपना ही घर है ना, तो एक दिन में करो चाहे एक महीने में करो, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। और या मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में पोहा बना के। ओके गाइस, सो मैं मिल रही हूँ आप लोग से सीधा शाम में, तो काइंडली इग्नोर दैट क्योंकि अभी सारी जगह आपको कार्टन वगैरह दिखते रहेंगे। तो मैंने बनाया अभी निमकी, कई जगह पे इसको नमक पारा भी कहते हैं, हमारे इधर पे निमकी कहते हैं। तो एक्चुअली बहुत सारा मैदा बचा हुआ था मेरे पास, तो बहुत सारा एक्चुअली राशन बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ जितना भी राशन वगैरह है ना सब कुछ ख़त्म कर दूँ, बिकॉज राशन ढो के ले जाने का कोई मतलब है नहीं। तो यही मैंने कुछ निमकियाँ बनाई हैं और खजूर वगैरह भी बना दूंगी। खजूर प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, हमारे तरफ ना शक्कर पारा को खजूर कहते हैं, तो वो गोला जो शेप का आता है ना उसको खजूर कहते हैं, तो वो भी बना दूंगी। तो बहुत सारा मैदा पड़ा हुआ था, एक्चुअली हम लोग मैदा बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं और काफ़ी दिन से बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये सब बना ही देते हैं, एक तो हम लोग के रास्ते के लिए भी हो जाएगा प्लस ये थोड़ा सा कंज्यूम भी हो जाएगा। तो और अभी मैं बनाई हूँ ये, इसको बोलते क्या है मुझे पता नहीं है, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो ये मैंने बनाया था एक्चुअली इवनिंग के स्नैक्स के लिए, बट कोई खाया नहीं बिकॉज सबका पेट भरा हुआ था। ओके गाइस, तो इसका रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, 7 ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर किड्स, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। तो इसका मैं सब्जी बनाने वाली थी, एक्चुअली ऑलरेडी मेरे पास छोला बचा हुआ है दिन का और बाबू ने बोला कि ज़्यादा कुछ खाएगा नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि छोला है प्लस मेरे पास अंडे पड़े हुए हैं, तो उसका मैं भुर्जी या फिर ऑमलेट वगैरह बना दूँगी।
ना आई एम गोना फिनिश दिस व्लॉग हियर गाइस। पीहू को अब सुना रहे हैं और मैं जा रही हूँ जल्दी से बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। सो या सी यू गाइस सून, टिल देन टेक केयर, बाय।